हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का यूनिट 4 और हमारा टॉपिक है बिजनेस सर्विसेज। प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने बिजनेस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं और बिजनेस करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो केवल अगर हम बिजनेस में प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, उस गुड्स को हम सेल आउट करते हैं। ओके, तो जहाँ पर हम प्रोडक्शन करते हैं क्या उसी जगह हमारा कस्टमर अवेलेबल होता है? नहीं होता है। ओके, जो गुड्स को हम मैन्युफैक्चर जिस जगह करते हैं केवल उसी एरिया के कस्टमर्स के लिए तो नहीं करते हैं, हम बहुत सारे कस्टमर को कैप्चर करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को उन तक पहुँचाना चाहते हैं। तो हम कैसे अपने प्रोडक्ट को उन सारे कस्टमर्स तक पहुँचाएंगे जो हमारे कवरेज एरिया से बाहर हैं? ओके, तो हम बिजनेस में उन सर्विसेज को यूज़ करते हैं जो बिजनेस के हिंड्रेंस को, बिजनेस के बाधाओं को दूर करती है हम और हमारे प्रोडक्ट को हमारे कस्टमर तक रीच करवाने में हमें हेल्प प्रोवाइड करती है और बिजनेस को सिस्टमैटिक वे में रन करवाने में भी हमें हेल्प करती है। केवल बिजनेस में हम उन सर्विसेज को यूज़ नहीं करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को हमारे कस्टमर तक पहुंचा दे। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करवाने के लिए, बिजनेस में प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन किए हुए प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए और मार्केट से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम बहुत सारी सर्विसेज का यूज़ करते हैं, तब जा कर के हम किसी बिजनेस को एक अच्छे तरीके से रन करवा सकते हैं। बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब हम अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर को बताएंगे, अपने बिजनेस के बारे में अपने कस्टमर को बताएंगे। ओके, और उन सारे हिंड्रेंस को हम दूर करेंगे कि किस प्रकार दूर करेंगे, सर्विसेज के माध्यम से हम दूर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि सर्विसेज क्या है। सर्विसेज आर दोज एक्टिविटीज दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। ओके, सर्विसेज क्या है? सर्विसेज वो एक्टिविटीज है जिसको हम देख नहीं सकते हैं और टच नहीं कर सकते हैं। ओके, जिसे हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, सो दे आर इनटैंजेबल। ओके, हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम उसे गुड्स बोलते हैं। ओके, तो जिस गुड्स का हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या हम उसे देख नहीं सकते? बिल्कुल हम उसे देख सकते हैं। क्या हम उसे टच नहीं कर सकते? बिल्कुल टच कर सकते हैं। अगर ये मार्कर है तो हम इसे देख भी सकते हैं और इसे टच भी कर सकते हैं। ओके, और इसका हम मेजरमेंट भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि गुड्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को हम ना ही देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं। दैट्स वाई हम उसको इनटैंजेबल बोलते हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल कंस्ट्रक्शन। उसका कोई भी फिजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। हम लोग गुड्स को मेज़र करते हैं, गुड्स का वेट करते हैं, यानी उसका वज़न निकालते हैं, उसके बारे में हम बहुत सारी बातें बताते हैं अपने कस्टमर को। लेकिन अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सर्विसेज का कोई भी फिजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं है। ओके, जिस चीज़ का फिजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं है हम उसका मेज़रमेंट कैसे कर सकते हैं? ओके, सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर फॉर द फ्यूचर कंजम्पशन। हम सर्विसेज को भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। आज मैंने सर्विसेज को चाहा कि मैं आज सर्विसेज को परचेस करूं और कल जाकर के इसको यूज करूं, तो ऐसा नहीं होगा। आप जब सर्विसेज को परचेस करोगे एट दैट टाइम आपको उसका कंजम्पशन करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं हम तो वो हमारे पास स्टोर नहीं रहेगा। अगर आप मार्केट जाते हो और मार्केट जाके आप कोई भी एक प्रोडक्ट को परचेस करते हो, ओके, अगर आपका मन है तो आपने उसे कंज्यूम किया, अगर नहीं मन कर रहा है तो आपने उसको स्टोर कर दिया कि मैं बाद में इसको यूज़ करूँगा या कंज्यूम करूँगा। तो हम उसको बाद में किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी गुड्स को हम कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज के साथ ऐसा नहीं होता है। जिस समय उसका प्रोडक्शन होता है, जिस समय उसको
हम परचेज करते हैं एट दैट टाइम उसका कंजम्पशन होना अनिवार्य है बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी कंपोनेंट ऑफ टेंजिबिलिटी। ओके, ऐसा क्यों होता है कि हम उसको फ्यूचर में कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, हम उसे स्टोर नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते हैं और उसे टच नहीं कर सकते हैं। जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते तो उसको भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए स्टोर कैसे कर सकते हैं? अगर हम प्रोडक्ट को परचेस करके, गुड्स को परचेस करके स्टोर कर रहे हैं तो भविष्य में हम उसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज हम लोग उसको टच कर रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन सर्विसेज के साथ ये कंडीशन नहीं है, वो इनटैंजिबल है, और जो चीज़ें इनटैंजिबल होती हैं उन्हें हम देख नहीं सकते हैं। ओके, इट प्रोवाइड्स सेटिस्फैक्शन ऑफ वॉन्ट्स एंड आर नॉट नेसेसरी लिंक टू द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। ये केवल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड, सर्विसेज जो हैं वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाती हैं, हिंड्रेंस को दूर करती हैं, लेकिन ये कतई मतलब नहीं है कि हम जो सर्विसेज को परचेस कर रहे हैं, हम जो सर्विसेज के लिए पे कर रहे हैं तो हम उसको, वो अब हमारा हो गया, ऐसा नहीं होता है। नॉट नेसेसरी टू बी सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, हम जिस सर्विसेज को यूज़ करते हैं या जिस सर्विसेज के लिए हम कुछ पे करते हैं वो केवल उसी टाइम के लिए होता है जितनी देर के लिए हम उसको यूज़ करते हैं और जितना हम पे करते हैं, उसके बाद वो सर्विसेज हमारे लिए नहीं होती हैं या हम उसको परमानेंट अपने लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं या परमानेंट हम अपने लिए उसको नहीं रख सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हमने उस चीज़ को यूज़ किया तो अब हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट जो कस्टमर आएंगे अब उसे वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वो चीज़ें इनटैंजिबल हैं, दैट्स वाई उसका सेल ऑफ अ प्रोडक्ट से बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस नेचर ऑफ सर्विसेज। ओके, ये डेफिनेशन था सर्विसेज का जिसमें हम लोगों ने जाना कि वो एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें हम चीज़ों को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसका फिजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं है, उसको हम फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते। ओके, और उस चीज़ को हम सेल भी नहीं कर सकते हैं, केवल उसी टाइम तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं जितना हमारी ज़रूरतें होती हैं। ओके, नेक्स्ट नेचर, नेचर में आपको 5 I याद रखना है, 5 I। अब ये 5 I क्या है ये हम लोग देखेंगे। फर्स्ट इज इंटेंजिबल, इनकंसिस्टेंसी, इन्वेंटरी, इनसेपरेबिलिटी एंड इन्वॉल्वमेंट। ये 5 I है जो सर्विस का नेचर है। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस इनटैंजिबल। सर्विसेज आर इनटैंजिबल, दैट इज वी कैन ओनली फील सर्विसेज। सर्विसेज क्या है? इनटैंजिबल है, जिसे हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। वी कैन ओनली फील, हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं कि वो सर्विसेज कैसी हैं या कैसी थी, अच्छी या बुरी, एवरेज या गुड या एक्सीलेंट। ये केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और वन कैन ओनली एक्सपीरियंस, इसे केवल हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ द ऑफर कैन ऑफन नॉट बी डिटरमाइंड बिफोर कंजम्पशन। अगर हम किसी सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं तभी हम उस सर्विस की क्वालिटी को डिटरमाइन कर पाएंगे। हम ऐसे ही उस सर्विस की क्वालिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है क्या उसकी सर्विसेज अच्छी हैं या बुरी हैं, एवरेज हैं या गुड है, वो कैसा है। क्वालिटी हम तभी डिटरमाइन कर पाएंगे जब हम उसे कंज्यूम करेंगे। बिफोर कंजम्पशन हम उसके बारे में कोई भी फीडबैक नहीं दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी सर्विस के बारे में फीडबैक मांगता है वो तभी मांगेगा जब उसने वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं अपने कस्टमर को। बिफोर वो नहीं मांगेगा और वो कस्टमर बिफोर दे भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि हमने देखा कि सर्विसेज को हम बिना एक्सपीरियंस किए उसके क्वालिटी को जान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इनटैंजिबल है, क्योंकि वो सीन नहीं होता है और टच नहीं होता है। तो हम लोग उसके बारे में कैसे कोई भी
ही फीडबैक दे सकते हैं या कोई भी हम लोग उसके बारे में ओपिनियन बना सकते हैं। तो हम सजेशन तभी दे पाएंगे, हम फीडबैक तभी दे पाएंगे जब हम उसे कंज्यूम करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज इनकंसिस्टेंसी। सर्विसेज हैव टू परफॉर्म ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच कस्टमर। इनकंसिस्टेंसी में क्या होता है कि हमें हर बार हर टाइम अपने कस्टमर के डिमांड और एक्सपेक्टेशन के आधार पर हमें सर्विसेज को प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ये मार्कर ही बना रहे हैं, तो मार्कर में हम ज़्यादा वेरिएशन नहीं ला सकते, हम ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते। हमने इस तरीके के 100 प्रोडक्ट बना दिए हैं और उसे हमने मार्केट में सप्लाई कर दिया। कस्टमर को अगर अच्छा लगेगा तो वो उसे परचेस करेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो वो उसे परचेस नहीं करेगा, लेकिन वो इसमें कुछ डिमांड नहीं कर सकता है। वो इसमें ये नहीं बोलेगा कि मुझे थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए, थोड़ा सा चेंजेस चाहिए, थोड़ा सा मार्कर और बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा मार्कर और ऐसा होना चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन सर्विसेज में हमें एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द डिमांड और एज़ पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच कस्टमर वी हैव टू सप्लाई आवर सर्विसेज। अदरवाइज वो कस्टमर हमसे अनसेटिस्फाई हो जाएगा और हर कस्टमर का जो डिमांड होता है वो अलग होता है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि हम जिस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं वो हर कस्टमर के लिए सेम होगा, क्योंकि कोई भी कस्टमर का नेचर, कोई भी कस्टमर का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई द नेशनलाइज बैंक आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड बाई द प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक। अगर हम इसी में देखते हैं, इनकंसिस्टेंसी में ही एक अगर हम लोग एग्जाम्पल बैंक का ले लेते हैं, जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनके सर्विस प्रोवाइड करने का तरीका पब्लिक बैंक से थोड़ा सा अलग होता है, या हम कह सकते हैं प्राइवेट बैंक में कुछ ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ होती हैं, चीज़ें सिस्टमैटिक वे में रन करवाती हैं, वहाँ का जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है अगर हम कंपेयर करेंगे पब्लिक बैंक से। ओके, क्योंकि प्राइवेट बैंक जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो चाहता है कि मैं अपने हर कस्टमर को अटेंड करूं, मैं अपने हर कस्टमर के टाइम को सेव करूं, क्योंकि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम एक ही चीज़ में लगा देंगे तो हम और दूसरे काम नहीं कर पाएंगे, तो दूसरा काम करने के लिए हमें टाइम को सेव करना होगा। तो टाइम हम कैसे सेव कर पाएंगे, जिस सर्विसेज को हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें ऑन टाइम मिले, या जो व्यक्ति सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो बेटर तरीके से सर्विस प्रोवाइड करे। तो प्राइवेट बैंक में हम देखते हैं कि चीज़ें सिस्टमैटिक वे में रन करती हैं, वहाँ पर हर बैंकर जो है या जो उस बैंक का एम्प्लॉय होता है वो पर्सनली हर कस्टमर या हर कस्टमर को वो अटेंड करता है और उनके क्वेरीज और प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है। लेकिन वहीं पर अगर पब्लिक बैंक है तो वो थोड़ा उतना अटेंशन नहीं देता है या उतना इम्पोर्टेंस अपने कस्टमर को नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है कि मैंने अगर कुछ नहीं किया तो मुझे कोई भी आकर के बोलने वाला नहीं है। लेकिन प्राइवेट बैंक अपनी सर्विस प्रोवाइड करने में बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ईच टाइम हर समय हम लोग अपने कस्टमर के डिमांड और एक्सपेक्टेशन के आधार पर चीज़ों को हम कस्टमर तक रीच करवाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सर्विसेज का जो हम बिज़नेस कर रहे हैं या हम जो सर्विस बिज़नेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो हो सकता है लॉन्ग टर्म तक रन नहीं कर पाए। तो लॉन्ग टर्म तक रन करवाने के लिए या मार्केट में हमारा एग्जिस्टेंस रहने के लिए वी हैव टू सप्लाई ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। नेक्स्ट वी हैव इज इन्वेंटरी। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर। सर्विसेज को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, ओके, या फ्यूचर यूज के लिए। दिस मीन्स दैट द डिमांड एंड सप्लाई नीड्स टू बी मैनेज एज द सर्विसेज हैज़ टू बी परफॉर्म।
तो हम कब उस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे? जब उसका डिमांड होगा, एट दैट टाइम वी हैव टू सप्लाई। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो कस्टमर हमारे पास आएगा ही नहीं। ओके, नीड्स टू बी मैनेज एज सर्विसेज हैज़ टू बी परफॉर्म एज व्हेन द कस्टमर आस्क फॉर इट। जब भी कस्टमर के द्वारा आस्क किया जाएगा, मांगा जाएगा, डिमांड होगा, देन वी हैव टू सप्लाई दैट सर्विस टू आवर कस्टमर। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हो सकता है वो कस्टमर हमारा कहीं पर मूव ऑन कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं इसका, अगर कोई व्यक्ति एक सिनेमा हॉल जाता है मूवी देखने के लिए जाता है, ओके, तो मूवी देखेंगे हम कैसे? हम उस हॉल का या उस थिएटर का हम टिकट परचेस करेंगे, या उस मूवी का जो टिकट का रेट होगा वो हम पे करेंगे, देन वो हमें एक टिकट देगा। तो उसने टिकट दिया हमें 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक ही हमारा टिकट वैलिड होगा, ओके, 2 PM to 5 PM, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक हमारा एक टिकट है और हमने एक सीट को बुक रखा है कि आज हम मूवी देखने के लिए जाएंगे, लेकिन कुछ काम आ गया और हम नहीं जा पाए मूवी देखने के लिए टाइम पर, और हमारा काम ही फिनिश हुआ है 5 बजे। अब हम चाहते हैं कि अब हम जाएंगे 5 बजे से मूवी देखने के लिए, लेकिन हम नया टिकट परचेज नहीं करेंगे, हम उसी टिकट पे जाएंगे, तो ये चीज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने डिमांड किया था 2 to 5, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक ही आपका टिकट वैलिड था। उसके बाद अगर आप जाओगे तो वो सर्विसेज आपके लिए नहीं होंगी, वो किसी और कस्टमर के लिए आफ्टर 5 हो जाएगा। 5 बजे के बाद जो सर्विसेज प्रोवाइड होंगी वो किसी और कस्टमर के लिए होगा। तो जितनी देर के लिए आपने उसे बुक किया था, जितना टाइम के लिए आपने उसके लिए पे किया था, केवल उसका वैलिडिटी आपके लिए वही रहेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके बाद भी यूज़ करूं, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां पर कोई और कस्टमर आ गया है उस सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए और उसने उस सर्विसेज के लिए पे किया है। तो यहां पर हमने देखा कि हम इसको फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर पाए। टिकट तो मैंने लिया और टिकट का जितना अमाउंट था वो भी मैंने पे किया, लेकिन मेरे साथ कुछ काम हो गया या मुझे कुछ काम आ गया, मैं वहाँ चला गया, तो मेरा टाइम तो निकल गया, लेकिन मैंने तो पहले ही उसके लिए पे कर रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बाद में यूज़ करूँ, तो ऐसा नहीं होता। यही पर बोल रहा है, दिस मीन्स दैट द डिमांड एंड सप्लाई नीड टू बी मैनेज एज पर द सर्विसेज हैज़ टू बी परफॉर्म एंड व्हेन द कस्टमर आस्क फॉर इट एंड सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर फॉर अ फ्यूचर यूज़। हम लोग उसको फ्यूचर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। टिकट है, मैंने पे भी किया है, बट स्टिल हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, इनसेपरेबिलिटी। ओके, दिस एक्ट द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन मेक द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज सीम टू बी इनसेपरेबल। यहाँ पर हम प्रोडक्शन, किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं? हम सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो किस चीज़ का कंजम्पशन होगा? सर्विसेज का कंजम्पशन होगा। जिस समय उसका प्रोडक्शन होगा उसी समय उसका कंजम्पशन होना चाहिए। कंजम्पशन सर्विसेज सीम टू बी इनसेपरेबल, सर्विसेज हैव टू बी कंज्यूम एज व्हेन दे आर प्रोड्यूस। ओके, इनसेपरेबल मतलब हम दो चीज़ों को अलग नहीं कर सकते हैं। ये मार्कर जिस कंपनी ने बनाया, उसने इस प्रोडक्ट को बना करके मार्केट में सेंड कर दिया और वहाँ से जाकर के कस्टमर ने इसे परचेस कर लिया। तो जो प्रोडक्शन कर रहा था उसने अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक लॉन्च कर दिया, मार्केट तक रीच करवा दिया और वहाँ से कस्टमर ने जाकर के परचेस कर लिया। तो जो प्रोडक्शन कर रहा था हमारा प्रोड्यूसर, उसका और उसका प्रोडक्ट को हमने अलग कर दिया, सेपरेबल कर दिया, अलग कर दिया। अब ये प्रोडक्ट है हमारा कस्टमर का, तो कस्टमर अगर यूज़ करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो हम इसे भी दूसरे को दे सकते हैं। यानी हम अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स को सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम सर्विसेज में प्रोडक्शन और कंजम्पशन
जिस समय प्रोडक्शन हो रहा होगा उसी समय उसका कंजम्पशन होना भी अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि हम उस सर्विसेज की को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए या उस सर्विसेज के बारे में हम और अच्छे से नहीं जान पाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम समझने, डॉक्टर एंड हिज सर्विसेज आर इनसेपरेबल, सिमिलरली इट अप्लाइज टू द लॉयर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर मैं बात करूं कि ऐसी कौन सी सर्विसेज है जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज डॉक्टर। डॉक्टर वो व्यक्ति है जो हमारा ट्रीटमेंट करता है, डॉक्टर वो व्यक्ति है जो हमारे डिजीज को क्योर करता है, ठीक करता है। तो क्या डॉक्टर को और डॉक्टर की सर्विसेज को हम अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि डॉक्टर साहब मुझे फीवर है, मेरा तबीयत ख़राब है, आप नहीं आ रहे हो, ठीक है, लेकिन आप अपनी सर्विसेज को भेज दो, वो मुझे देख लेगा और वो मुझे मेडिसिन बता देगा, आप कल आ जाना। ऐसा तो हम नहीं करते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं जिस समय डॉक्टर अवेलेबल होता है और जिस समय पेशेंट अवेलेबल होता है उसी समय प्रोडक्शन और कंजम्पशन होता है। डॉक्टर अपनी सर्विस को प्रोवाइड करता है और कस्टमर उसे सुनता है और उसकी सर्विसेज को यूज़ करता है। डॉक्टर उसी समय कस्टमर का ट्रीटमेंट कर पाएगा जब कस्टमर अवेलेबल हो पाएगा, ओके। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी वैसे ही काम करता है और लॉयर भी वैसे काम करता है। अगर मुझे कुछ केसेस करने हैं या मुझे एक केस करना है, तो मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि लॉयर या एडवोकेट आप अपनी सर्विसेज को भेज दो, आप कल आ जाओगे मेरा केस लड़ने के लिए। ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जो प्रोड्यूसर है या जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है उसको और उसकी सर्विसेज को हम अलग नहीं कर सकते हैं, सो दैट दे विल कम अंडर इनसेपरेबिलिटी। हम उसमें बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते हैं। हम लोग ने देखा कि वो इनटैंजिबल है, उसको हम छू नहीं सकते, उसमें हम हर कस्टमर के डिमांड और एक्सपेक्टेशन के आधार पर हम चीज़ों को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है? टू एक्सपीरियंस अ सर्विसेज द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इज एसेंशियल। अगर मुझे किसी सर्विसेज को यूज़ करना है या उसके बारे में जानना है, तो हम कैसे जान पाएंगे? हम तभी जान पाएंगे जब हम उसमें इन्वॉल्व होंगे, जब हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हम जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम जब तक उसमें इंडल्ज नहीं होंगे, हम जब तक उसको यूज़ नहीं करेंगे या कंज्यूम नहीं करेंगे, तो हम बिफोर डैट हम उसके बारे में कोई भी फीडबैक नहीं दे पाएंगे। हम फीडबैक तभी दे पाएंगे जब हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं डोर टू डोर, लेकिन केवल उसने प्रोवाइड करवा दिया है, अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो हम उसके बारे में भी नहीं जान पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज, बट द यूज़ ऑफ सर्विसेज कस्टमर हैज़ टू मेक एंड रिसीव द कॉल, ओके। टेलीकम्युनिकेशन ने क्या किया है, अपनी सर्विसेज को डोर टू डोर प्रोवाइड करवा दिया है। जब उसने अपनी सर्विसेज को डोर टू डोर प्रोवाइड करवा दिया है, अब कस्टमर का इसमें दायित्व बनता है कि वो उस सर्विस को यूज़ करे। तो सर्विस को यूज़ हम कैसे करेंगे? अगर कहीं से कॉल आएगा तो मुझे रिसीव करना होगा, अगर मुझे कहीं बात करनी है मुझे कॉल लगाना पड़ेगा, देन ओनली हम उस सर्विस के बारे में डिटरमाइन कर पाएंगे, उस सर्विसेज के बारे में जान पाएंगे कि वो सर्विसेज कैसी हैं। तो इसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट अनिवार्य है। अगर कस्टमर अपना इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं दिखाएगा तो वो उस सर्विसेज के बारे में भी नहीं जान पाएगा। अगर हम मोबाइल यूज़ करेंगे तभी तो हम मोबाइल के बारे में जान पाएंगे, कौन से कंपनी का मोबाइल ज़्यादा अच्छा होता है, कौन से कंपनी का मोबाइल एवरेज क्वालिटी का है, कौन से कंपनी की सर्विस, कौन से कंपनी का जो सर्विसेज है वो ज़्यादा बेटर है ना। तो ये हम तभी जान पाएंगे जब कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होगा। कस्टमर अगर इन्वॉल्व ही नहीं होगा तो
तो वो सर्विसेज के बारे में तो जान नहीं पाएगा। अगर वो जान नहीं पाएगा तो वो अच्छा और बुरा दोनों ही सर्विस को अलग नहीं कर पाएगा। तो जो कंपनी हमें सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, जिसका काम है सर्विस प्रोवाइड करवाना, उसने हमारे घर तक उन सर्विसेज को प्रोवाइड करवा दिया है। ये अब हमारा काम है कि हम उसे यूज़ करते हैं और उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सो दैट पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के कितने टाइप्स होते हैं और कितनी कैटेगरी में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। सर्विसेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू थ्री टाइप्स। ओके, फर्स्ट इज बिजनेस सर्विसेज, सेकंड इज सोशल सर्विसेज एंड थर्ड इज पर्सनल सर्विसेज। इन तीन कैटेगरी में या इन तीन टाइप्स में हम सर्विसेज को डिवाइड कर सकते हैं और इन सर्विसेज को हम इन कैटेगरी में ही पढ़ेंगे। नंबर वन इज बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज हैं विच आर यूज्ड बाय बिजनेस इंटरप्राइजेज, जो बिजनेस इंटरप्राइजेज के द्वारा यूज्ड की जाती हैं। कौन यूज कर रहा है इसे? बिजनेस इंटरप्राइजेज टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज मोर स्मूथली। बिजनेस इंटरप्राइजेज इसको यूज करता है और वो क्यों यूज करता है? क्योंकि जो उसका बिजनेस का एक्टिविटी है, बिजनेस का एक्टिविटी वो मोर स्मूथली रन करवा सके। हम बिजनेस में बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं, तो उन एक्टिविटी को केवल हम प्रोडक्शन के माध्यम से ही नहीं चला सकते हैं, या बिजनेस को हम केवल प्रोडक्शन करके ही नहीं चला सकते, हमें बहुत सारी सर्विसेज को यूज़ करना होता है उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक रीच करवाने के लिए, या उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल भी हमें सप्लाई परचेस करना है और जो उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनेगा उसको कस्टमर तक रीच भी करवाना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं और उन्हीं चीज़ों के लिए हम जिस सर्विसेज को यूज़ करते हैं तो वो सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज के अंडर ही काउंट होती हैं। ओके, तो इसमें हमने देखा कि बिजनेस इंटरप्राइजेज बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है और उन एक्टिविटी को स्मूथली सिस्टमैटिक वे में रन करवाने के लिए वो उन सर्विसेज को यूज़ करता है जिसके माध्यम से वो अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से रन करवा सके। फॉर एग्जांपल वी हैव बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन और वेयर हाउसिंग। अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग बिजनेस एक्टिविटी में कैसे हेल्प प्रोवाइड करता है, या बिजनेस इंटरप्राइजेस को वो कौन सा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके कारण वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन करवा सके। तो बैंक हमारे लिए क्या करता है? फाइनेंशियल हिंड्रेंस को दूर करता है। ओके, बैंक वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो मनी से रिलेटेड है, जो पैसे से रिलेटेड है ना। तो बैंक हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है जिसके कारण हम पैसे का जो हिंड्रेंस है उसे हम दूर कर सकते हैं। बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू बिजनेसमैन। बैंक क्या करता है? फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। अगर हमने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है तो इस बिजनेस में हमने क्या लगाया होगा? कैपिटल लगाया होगा। तो जितना कैपिटल हमने लगाया क्या वो सफिशियंट होगा? नहीं होगा। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो फिर हम कहाँ से पैसा लेंगे? तो हम बैंक से पैसा ले सकते हैं और बैंक हमें लोन देगा और उस लोन के माध्यम से हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद हम अपने बिजनेस को सिस्टमैटिक वे में रन करवा सकते हैं। तो बैंक ने फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया। उसी प्रकार इंश्योरेंस जो है वो एक सपोर्ट सिस्टम है, हमें वो एक सपोर्ट देता है हमें रिस्क लेने के लिए। हम बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटी करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लॉसेस को बेयर नहीं कर सकते, तो एट दैट टाइम वहाँ पर इंश्योरेंस आता है और बोलता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम ये रिस्क लो, अगर कुछ होगा देन आई विल कंपनसेट।
ओके, कम्युनिकेशन एंड वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस सर्विसेज. नेक्स्ट वी हैव इज सोशल सर्विसेज. सोशल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर परफॉर्म वॉलेंट्रली टू अचीव सोशल गोल्स. अब अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो साथ में हमारा कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी तो होगा ही होगा. तो सोशल सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो हम सोसाइटी में प्रोवाइड करवाते हैं या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए प्रोवाइड करवाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन. ओके, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनजीओज. तो एनजीओज के द्वारा अगर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है या एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट कमाने का मकसद नहीं है. या इन सर्विस सोशल सर्विस के अंदर जो एनजीओ हैं, तो एनजीओ को प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन नहीं है कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा पैसा बनाना है. वो केवल क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड करा रहा है. किसके लिए? सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी को डेवलप करवाने के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास उतना पैसा नहीं है जो उन सर्विसेज को अच्छे से अच्छे तरीके से यूज़ कर पाए. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पर्सनल सर्विसेज. पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस्ड. पर्सनल सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो एक्सपीरियंस किया जाता है डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर. ओके, हर कस्टमर उसी सर्विस को यूज कर रहा है, लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसने फील किया, जो उसका फीडबैक है, वो अलग अलग है. अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा डिशेस होते हैं जिसको हम खाते हैं, बहुत सारा मेन्यू है. तो हम वहाँ जा कर के मेन्यू पहले देखते हैं और उस मेन्यू में से हम एक आइटम या एक डिश को सेलेक्ट कर लेते हैं. हो सकता है उसी मेन्यू से कोई और कस्टमर वही प्रोडक्ट, वही डिश को सेलेक्ट करे, लेकिन जब हम दोनों का फीडबैक लेंगे तो दोनों का ओपिनियन हो सकता है कि वैरी करे, किसी को अच्छा लगेगा या किसी को बहुत अच्छा लगेगा. तो ये यहाँ पर हमने देखा कि जितने भी कस्टमर आते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस्ड होगा वो अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा. जैसे टूरिज्म है, रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है वो तो एक जैसा ही सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है सबके लिए, लेकिन जो सर्विस को वो कंज्यूम कर रहा है, हमारा कस्टमर उसको कंज्यूम कर रहा है, जो उसका फीडबैक होगा, जो उसका ओपिनियन होगा, वो अलग होगा. ओके, तो यहाँ पे पर्सनल सर्विसेज में हम लोगों ने देखा कि अलग अलग कस्टमर आएंगे तो उनका अलग अलग एक्सपेक्टेशन, अलग अलग डिमांड और अलग अलग फीडबैक्स भी होंगे. थैंक यू.